पहले तो हम सोयाबीन को पहले समझे कि सोयाबीन है क्या। सोयाबीन हम लोग दो रूप में सोयाबीन को देखते हैं, एक तो सोयाबीन का बीज जो कि बीज का पाउडर को दूध के साथ सेवन किया जाता है वजन बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम मिनरल्स बहुत मात्रा में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं उसमें से। तो यदि नियमित हम दूध के साथ 1 से 2 चम्मच सोयाबीन पाउडर को अगर नियमित यूज करें जो बीज का है, तो उससे हमारे शरीर का वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। अब आते हैं हम लोग उसको और भी प्रकार से, जैसे सोयाबीन को हम चने मूंग और चना मूंग बादाम और सोयाबीन के दाने, ये चार पांच अन्न को अंकुरित करके और हम उसको सुबह अलग-अलग, जैसे गुड़, कभी गुड़ के साथ खा लिया, कभी किशमिश के साथ खा लिया, कभी नमकीन खाने का इच्छा हो तो नमकीन खा लिया, है ना, तो उसको भी हम खा सकते हैं। उससे भी हमें बहुत ज़्यादा फायदे होंगे और बहुत तेज़ी से हमारे शरीर का वजन उससे बढ़ता है, तेज़ी से मैं ये कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि आजकल जो दुबला पतलापन शरीर में आता है तो बहुत लोगों को शर्म आती है, शर्ट वर्ट कपड़े वगैरह ठीक से नहीं पहनते तो मन से एक थोड़ा उनको कमजोरी सा फील होता है, तो वो ये नुस्खा ज़रूर अपनाएं, उनको बहुत फ़ायदा होगा। चार पांच अनाज ले लें, जैसे कि अभी जैसे मैंने बोला चना मूंग बादाम सोयाबीन मेथी के दाने भी डाल सकते हैं, बहुत फायदेमंद है। और आगे आते हैं, ये तो दाने की बात हो गई, दानों को आप भिन्न भिन्न प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं सोयाबीन के दाने। अब सोयाबीन बड़ी जिसको चंक्स बोलते हैं, सोयाबीन बड़ी जो गोल वाले होते हैं उनको आपने बहुत सारे ब्रांड में देखा होगा, न्यूट्रोला का आता है, बहुत सारी कंपनियों का आता है, तो वो जो चंक्स है उसके तो आप जनरली घरों में उसकी सब्जियां बनती है, आप देखे होंगे आलू के साथ मिक्स कर दिया उसको, तो आलू के साथ सब्जी बनाकर उसे खा लेते हैं। स्वाद के लिए ना खाएं, अगर स्वास्थ्य के लिए खाते हैं तो अलग तरीके से खाना होगा उसको। उसको आप हल्के तेल में भून करके भी खा सकते हैं नमकीन, और उसको उसका बड़ी बना के भी खा सकते हैं उसको, काफ़ी स्वादिष्ट और काफ़ी अच्छा हेल्दी भोजन है वो। क्या क्या और पाया जाता है उससे? उसमें कैल्शियम मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं, हमारे शरीर की मांसपेशियों को ग्रो करने में बढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है कितने दिन वो। में फर्क दिखने ये लगे? आप अगर नियमित इसका 3 महीना सेवन करते हैं, 3 माह, मैं किसी को भी बोलूँगा 3 माह, अगर आपने सोयाबीन के साथ साथ और भी अन्य औषधियों का खान पान का आपने ध्यान रखा, तो आपको 3 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट इसका देखिए, ताकत बढ़ाने वाला, मोटापा बढ़ाने वाला, काफी अच्छा फायदेमंद फूड है।